अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए खास है जो सऊदी अरब आना चाहते हैं काम के लिए, खास करके हाउस ड्राइवरी के काम में आना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वक्त 2023 तो जाने वाला है और 2024 स्टार्ट होने वाला है। तो 2023 में तो हाउस ड्राइवर का काम कैसा था वो पूरा मैं बता चुका हूँ डिटेल में। अब 2023 आने वाला है, अब ये हाउस ड्राइवरी का माहौल अभी सऊदी अरब में कैसा है तो इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। और हाउस ड्राइवर को 2 साल में जो एग्रीमेंट बनता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है 2 साल का, तो उसमें छुट्टी कितने दिन का मिलता है, कितने महीने का छुट्टी मिलता था पहले और कितने महीने का छुट्टी मिल रहा है अब, तो ये सब सारी डिटेल आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई जो सऊदी अरब आने वाले हैं हाउस ड्राइवरी के काम में, और तो जानना ज़रूरी रहता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, सऊदी अरब का हाउस ड्राइवरी का काम किस तरीके का है, कैसा है और क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। सारा डिटेल मैंने अपने पीछे वीडियो में डाल चुका हूं और आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या काम करना पड़ता है, ड्राइवरी के अलावा भी क्या क्या काम करना पड़ता है यहां पर सऊदी अरब में। सिर्फ हाउस ड्राइवरी का नाम रहता है और बाकी सारा काम करना पड़ता है। तो इस वक्त सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरी का माहौल कैसा है, देखिए माहौल जैसा पहले था भाई वैसा ही है। तो सऊदी अरब का माहौल भाई इस वक्त ऐसा है कि जो नया वीज़ा है हाउस ड्राइवरी का बहुत ही कम निकल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं पिछले एक साल दो साल से देख रहा हूँ कि हाउस ड्राइवर का जो वीज़ा है बहुत ही कम निकल रहा है। कोविड के बाद तो बहुत ही कम निकलने लगा है हाउस ड्राइवरी का वीज़ा, और ये लोग जो है भाई पुराने ड्राइवर को ज़्यादा भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पुराने ड्राइवर से फ़ायदा ये है कि कुछ बताना नहीं पड़ता है, लैंग्वेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, भाषा का जो भाषा रहता है अरबी को पुराने ड्राइवर जानते हैं और उनके पास लाइसेंस भी होता है। इस वक्त जो है नए ड्राइवर जो आ रहे हैं तो उनका जो है 1500 रियाल सैलरी से स्टार्ट है, और जो पुराने ड्राइवर हैं जो रिटर्न गए हैं सऊदी अरब से इंडिया पहुंच गए हैं और वो आना चाहते हैं तो उनको बता दूँ कि अगर आपके पास लाइसेंस है और अगर आप 2-4 साल यहाँ पर रह कर गए हैं तो आपको 1800 रियाल से स्टार्टिंग मिलेगा। अब 1800 रियाल से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इंडिया का भी 22 रुपये चल रहा है, 1 रियाल का 22 रुपये चल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो सकता है। तो 1500 रियाल नए ड्राइवर का और पुराने ड्राइवर का 1800 रियाल सैलरी अभी इस वक्त चालू है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कफील जो है सऊदी लोग पूछते भी हैं कि अगर कोई ड्राइवर होगा तो बताना, क्योंकि पुराने ड्राइवर की ज़्यादा मांग करते हैं कि कोई यहाँ पर कोई ड्राइवर होगा तो बताना, हम कफाला दे देंगे उसको, ट्रांसफ़र करके अपने पास ले लेंगे। तो इस तरीके का माहौल चल रहा है, क्योंकि नया ड्राइवर जो रहता है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन लोग को, और इस वक्त नए ड्राइवर वही लोग मंगाते हैं जिनके पास से ड्राइवर झगड़ा करके चले गया है या खुरुद चले गया है, नहीं आया है, छुट्टी चले गया है, नहीं आया है। तो भाई देखो, कोई भी इंसान छुट्टी जाता है नहीं आता तो या तो उसके इंडिया का कुछ प्रॉब्लम रहता है, या तो जो है यहाँ सऊदी में उसका जो कफील रहता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है तभी वो नहीं आता है, और अगर खुरुज भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम रहता है सऊदी अरब के घर में, जो जिस जगह का वो काम कर रहा है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहता है, या काम ज़्यादा रहता है, सैलरी ठीक नहीं रहता है और काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो इंसान जो है ऊब जाता है तो बोलता है कि मुझे खुरुज लगा दो, मैं अब तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, मैं सऊदी अरब आऊँगा पर दूसरी जगह आऊँगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। तो ऐसा भी करते हैं, और जिस घर में काम बहुत ज़्यादा रहता है भाई, बहुत ज़्यादा, उसमें सोने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, 5-6 घंटा 4 घंटा 5 घंटे भी इंसान नहीं सो पाता है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है एकदम थक जाता है। 2 साल में हाउस ड्राइवर को भाई एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती हाउस ड्राइवर को, तो इंसान 2 साल से रहते रहते इंसान एकदम पक जाता है, तो यही सोचता है कि यार इसके यहाँ का काम नहीं करूँगा, आऊँगा तो दूसरी जगह मैं काम करूँगा, दूसरे वीजे पर काम करूँगा, तो ऐसा भी रहता है। और नए ड्राइवर को इसलिए ये लोग मंगाते हैं क्योंकि पहली बात तो भाषा नहीं जानता है, और जो भी बात करेंगे जैसे मैडम हो गई, लड़की हो गई, जो भी गाड़ी के अंदर बात करेंगे उसको समझ में नहीं आएगा, और वो जवाब नहीं दे सकता है, चुपचाप बकरी के जैसे एकदम बैठे रहेगा और जो उसको बोलेंगे वो करेगा वो। तो दो साल तो भाषा वगैरह सीखने में निकल जाए, इनका काम हो जाता है, तो इसलिए नए ड्राइवर को ये लोग बुला लेते हैं, और 2 साल में वो इंसान जा नहीं पाएगा, उसको भेजेंगे नहीं,
इतना डरा देते हैं और घर में कुछ उसकी मजबूरी भी रहती है कि वो इंसान सोचता है कि इतना पैसा लगा कर आया हूँ तो अभी चले जाऊँगा तो पैसा ख़राब हो जाएगा, फिर घर पे प्रॉब्लम रहता है। तो इस हिसाब से इंसान एडजस्ट करके यहाँ पर रह लेता है 2 साल, पर 2 साल के बाद वो फिर उस जगह पर नहीं आता है। और जो घर अच्छा रहता है, जिस घर में लोग अच्छे रहते हैं, तो वो पुराने ड्राइवर की मांग करते हैं। हालांकि पुराने ड्राइवर की जो मांग करते हैं, यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 25-25 सुरियाल, 23 सुरियाल, 28 सुरियाल तक की सैलरी भी दे रहे हैं पुराने ड्राइवर की। अब रही बात कि यहाँ पर अभी छुट्टी कितना मिल रहा है सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर की, मेन हाउस ड्राइवर, क्योंकि मैं हाउस ड्राइवर हूँ तो मैं हाउस ड्राइवर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अभी 2 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अभी उसमें छुट्टियाँ कितने मिल रही हैं। तो देखिए, छुट्टी जो हाउस ड्राइवर जिसका यूनिवर्सिटी है या जिसका मदरसा है, स्कूल है, बच्चों को लेके जाना है, लेके आना है, तो अभी 1 साल में 2 महीने की छुट्टी मिल रही है। तो ये जो है जून से लेकर के अगस्त तक छुट्टी मिलती है और इसी महीने में इनको भेज दिया जाता है, सिर्फ 2 महीने की छुट्टी मिलती है। क्योंकि मैं खुद 5 साल रहा हूँ और 5 साल में सिर्फ अभी 2 महीने की छुट्टी इंडिया से काट के आया था, जून में गया था, अगस्त में वापस आ गया था, तो 2 महीने की सिर्फ छुट्टी मिलती है अभी, क्योंकि स्कूल और कॉलेज वगैरह जो है 2 महीने के लिए बंद हो रहा है। पहले 4-4 महीने की छुट्टी होती थी, तो उसमें जो है ड्राइवर को 4 महीने के लिए छुट्टी मिलता था, पर अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पूरा चेंज कर दिया गया, एजुकेशन का जो मामला था अभी पूरा चेंज कर दिया गया था कोविड के बाद, जो है पूरा चेंज कर दिया गया। पहले 4 महीने छुट्टी मिलती थी, अभी 2 महीने छुट्टी मिलती है। और जो भाई जिनका जो है मदरसा नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, उनकी मैडम डॉक्टर है या उनकी मैडम कोई और जॉब करती है, तो उन भाई को तो 3-4 महीने की छुट्टी मिल जाती है और वो छुट्टी जा सकते हैं 3-4 महीने पर। जिनका यूनिवर्सिटी है और जिनका मदरसा है, स्कूल है, तो और जिनकी मैडम टीचर है, तो उनको जो है भाई 2 महीने की छुट्टी मिलती है, क्योंकि 2 महीने का स्कूल और कॉलेज बंद हो रहा है, तो इसी वजह से 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो ये है अभी सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का माहौल भाई, और आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो भाई आना चाहते हैं वो आएँ, और सऊदी अरब में अभी हाउस ड्राइवर का काम ठीक है, बहुत ठीक है, ऐसा नहीं है, सैलरी भी अच्छा है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है। अगर नए आ रहे हैं तो 15 सुरियाल, 14 सुरियाल भी सैलरी है, और अगर पुराने हो जिसके पास लाइसेंस है और रिटर्न आ रहा है तो उसका 18 सुरियाल से सैलरी, 17 सुरियाल से सैलरी एक स्टार्टिंग में उनको मिल रहा है। तो अगर आप लोग रिटर्न है तो वहीं पर अपना जो इंडिया में ऑफिस है तो वहां से आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, और डिटेल निकाल कर तब आएँ। और अगर नए भाई आ रहे हैं तो वो भी पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है उनका 2 साल का, सैलरी क्या है, क्या काम करना पड़ेगा, तो भाई वो पूरा वहां पर देख ले, तफ्तीश करके उसके बाद आए। भले टाइम लगेगा पर जल्दबाजी ना करें, नहीं तो यहां पर आने के बाद भाई ड्राइवरी के अलावा दूसरा काम करने के लिए दे देंगे, खेत में काम करने के लिए दे देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट शेयर भी कीजिएगा, बहुत सारे भाई आकर यहाँ फंस जाते हैं। और चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।